जी कह रहे हैं हम राम को ला रहे हैं जी, हैं मोदी जी दिखाई दे रहे इतने लंबे, राम दिखाई दे रहे इतने से, हैं बीजेपी अपने घर से बना रही है, इतना सारा पब्लिक का पैसा गया, उसका ब्याज का पैसा ही लगा दे पूरा। राम विरोधी कहलाए जाएंगे आप, कहेंगे कि सनातन विरोधी। मैं असली पंडित हूँ, असली पंडित हूँ मैं। नौमी दिन उद्घाटन करो ना, विरोधी तो ये हो रहे हैं जो उद्घाटन पहले कर रहे हैं। जब मंदिर बना नहीं पूरा तो उद्घाटन किस बात का? सबसे पहले कलश का उद्घाटन होगा या मूर्ति का उद्घाटन हो जाएगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की धमाकेदार शानदार वीडियो को सिर्फ आपने थोड़ा सा देखा है, आगे की वीडियो देखकर आपका भी होश जो है वो उड़ने वाला है दोस्तों। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करके सीधा मुद्दे पर ही आ जाते हैं और आज की पूरी वीडियो को सीधा लगाते हैं। अब ला रहे हैं मोदी जी कह रहे हैं हम राम को ला रहे हैं जी, हैं मोदी जी दिखाई दे रहे इतने लंबे, राम दिखाई दे रहे इतने से, हैं कौन सा कह रहा है 22 तारीख में उद्घाटन करो? जब मंदिर पूरा नहीं हुआ तो उद्घाटन हो किस चीज का? सबसे पहले कलश का उद्घाटन होता है, तुम मूर्ति का उद्घाटन करने जा रहे हो। जब वहाँ पब्लिक चढ़ेगी, लेबर चढ़ेगी, राजनीति कर रही है सरकार, और सरकार ही है। जल्दबाजी क्यों है चाचा उद्घाटन? मुझे क्या पता, ये तो सरकार से पूछो क्यों है उद्घाटन, या आप मीडिया वाले हो, आप जाके बताओ क्यों उद्घाटन हो रहा है 22 तारीख। राम राज्य बनाने की तैयारी। अरे राम राज्य है कौन सा? नहीं, कौन सा राम राज्य है मुझे बताइए, बताइए राम राज्य है कहाँ? अलीगढ़। अरे सुनो अलीगढ़ में दिन दोहड़े लड़की जलाई गई, ये राम राज्य है? बोलो। ये जो जो रेल बेची जा रही है, वो बेचे जा रहे हैं, दुनिया भर के बेचे जा रहे हैं, राम राज्य है ये? ड्राइवरों पर अत्याचार हो रहा है, राम राज्य है? मोदी जी कह रहे हैं जी, सुनो भैया, मोदी जी कह रहे हैं कि जो 17 तारीख से 22 तारीख तक पेट्रोल पंप बंद है, क्यों बंद है? क्या मोदी जी वहाँ पहुँच जाएंगे तो पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे? ये पब्लिक का मनाइए ना, काहे की दीवाली? नौमी वाले ने बनवाइए ना, रामनवमी आती है सो बनवाइए ना, पहले क्यों बनवा रहे हो दीपावली? ये हिंदू राज है? अच्छा, ये हिंदू राज है, हिंदू का संसंग होगा तो हिंदू टाइम पर बनाओगे या पहले बना दोगे? जैसे सुनो, जैसे जब मोदी जी ने कहा था कि दीपक जलाओ, थाली बजाओ, ताली बजाओ, हैं? अच्छा, क्या करते? नाम को छोड़ो, चलिए जब आप राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं, किसी और सरकार बना पाई बताइए, ये बीजेपी बना रही है? बीजेपी अपने घर से बना रही है, बीजेपी अपने घर से बना रही है। अच्छा, इतना सारा पब्लिक का पैसा गया, उसका ब्याज का पैसा ही लगा दे पूरा। आप राम विरोधी कहलाए जाएंगे, आप कहेंगे कि सनातन विरोधी। मैं असली पंडित हूँ मैं। नौमी दिन उद्घाटन करो ना। अच्छा, उद्घाटन नौमी के दिन करो, क्यों नहीं करते? अच्छा, जो असली दिन है हिंदुओं का, उसमें क्यों नहीं करते बताइए? राम क्या उद्घाटन? हम नहीं जाएंगे, आचार्य भी कह रहे हम नहीं जाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, विरोधी हो जाएंगे। विरोधी तो ये हो रहे हैं जो उद्घाटन पहले कर रहे हैं। जब मंदिर बना नहीं पूरा तो उद्घाटन किस बात का? सबसे पहले कलश का उद्घाटन होगा या मूर्ति का उद्घाटन हो जाएगा? अच्छा। आप पहले जो अपने घर में मूर्ति ला रख दोगे या पहले उसका मंदिर बनाओगे बताइए? आप मुझे बताइए, आप पहले आप ही बता दीजिए मुझे। बिल्कुल सही बात है, देखिए रीति रिवाज से सब काम होते हैं, लेकिन या जो विपक्ष है सर, वो मना क्यों? नहीं बिशप कोई मना नहीं कर रहा, हम नहीं जाएंगे। कौन बिशप कौन सा मना कर रहा है मुझे बताइए? अध्यक्ष कर रहे हैं। अरे सुनिए मेरी बात, जब तक उद्घाटन नहीं होगा, मंदिर पूरा बना लो, मना करो, आगे देखिएगा। कौन सा विपक्ष मना कर रहा है? कोई मना नहीं करने का। ये भी कह रहा है सर कि ये जो पॉलिटिकल इवेंट है बीजेपी का, आरएसएस का, ये राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा, तो आपको भी लगता है कि राजनीति हो रही है? काय का उद्घाटन हो रहा है? आप कह रही हैं मंदिर का, राम मंदिर का उद्घाटन? नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए मैडम, अभी आपने बोला कि राम मंदिर का उद्घाटन नहीं हो रहा, फिर किस चीज का उद्घाटन हो रहा है? विपक्ष ये कह रहा है कि आरएसएस और बीजेपी इधर आ जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक इवेंट है ये। कुछ नहीं, ये सिर्फ राजनीति हो, कुछ नहीं है, सब मोदी जी की ये चाल है, समझे? क्यों? 17 फरवरी से लोकतंत्र लग जाएगा, फिर मोदी जी अपना नाम नहीं छपा पाएंगे। जब तक इलेक्शन नहीं होगा तब तक मोदी जी का नाम नहीं आएगा, तो इसलिए उद्घाटन 22 तारीख को करा रहे हैं मोदी जी। क्या मोदी जी अपना नाम हाईलाइट करने के लिए सब? और क्या कर रहे हैं मोदी जी, और क्या है, और है क्या हिंदुस्तान के अंदर? अच्छा। ये बताइए मुझे है क्या, और किसी गरीब को कहा गया मेरा 56 इंच का छीना है, मैं दुनिया को ये दूंगा, मैं पब्लिक को वो दूंगा, दिया किसी को?
दिया है, 15-15 हजार रुपए खाते में आने हैं, आए किसी के में बताइए, दुनिया के जीरो बैलेंस खुलवा दिया, किसी के खाते में आए 15 हजार रुपए, आज तक बता दे कोई मुझे कि हाँ मेरे में आए। बनवा तो दिया राम मंदिर, यही तो चाहती थी जनता, बार बार कह रहे हैं, देखिए बार बार कह रहे हैं कि कहा था पूरा कर। मैडम कहाँ आप खो रहे हो, आप कहाँ खो रहे हो, आप भी इसी हिंदुस्तान में रहते हो, मैं भी इस हिंदुस्तान में हूँ, जनता तो लेकिन चाहती है। मेरी बात 48 साल की उम्र हो रही, ठीक आज से नहीं हो रही है, बहुत समय से चल रहा है ये। एक काम कर लो, EVM हटवा दो, वोट गिरवा दो, ब्लैक पेपर से वोट गिरवा दो, चलो असली लड़ाई तो ये है, जिस लड़ाई ऐसे क्यों नहीं दिखाते हो असली को, असली लड़ाई गड़बड़ी जो है वो EVM है, EVM ने गड़बड़ लिया। अच्छा मोदी सरकार को वहाँ EVM नहीं है, जहाँ कांग्रेस की सरकार बनी वहाँ EVM नहीं है, ब्लैक बोर्ड पे होती है, नहीं आप ही बताओ ना, वहाँ ब्लैक बोर्ड पे नहीं होती है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, EVM में गड़बड़ है और रहेगी, बिना EVM के तुम मोदी को लिया हम जानिए, मैं एक हर एक सरकार के लिए, हर एक पार्टी के लिए है, एक मोदी के लिए नहीं है। मेरी बात सुन लोगे, देखिए आप भी राम मंदिर पे तैयार है और EVM में गड़बड़ी आ गई, दुनिया हल्ला मचा रही है, उसमें तुम्हारे जंतु मंतर पर बैठी है पब्लिक, EVM के पीछे बैठी है, EVM के पीछे बैठी है, किसी और के पीछे बैठे है। लगता है आपको कि कोई और मुद्दा चल पाएगा, जहाँ राम मंदिर तैयार है तो लगता है जनता देखेगी, तो जान दो ना हमें क्या है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आज की वीडियो आपको समझ में आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, फेसबुक पेज या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए।